हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है मेरी ख्वाहिश। वह प्राइमरी स्कूल की टीचर थी। सुबह उसने बच्चों का टेस्ट लिया था और उनकी कॉपियाँ जांचने के लिए घर ले आई थी। बच्चों की कॉपियाँ देखते देखते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका पति वहीं लेटे लेटे टीवी देख रहा था। जब उसने रोने का कारण पूछा, टीचर बोली, मैंने सुबह बच्चों को मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश विषय पर कुछ पंक्तियाँ लिखने को कहा था। एक बच्चे ने जाहिर करी है कि भगवान उसे टेलीविज़न बना दें। यह सुनकर पतिदेव हंसने लगे। टीचर बोली, आगे तो सुनो, बच्चे ने क्या लिखा है। यदि मैं टीवी बन जाऊंगा तो घर में मेरी एक खास जगह होगी। सारा परिवार मेरे इर्द गिर्द रहेगा। जब मैं बोलूंगा तो सारे परिवार वाले लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे। मुझे रोका टोकी कर नहीं जाएंगे और नहीं मेरे पे उल्टे सवाल होंगे। जब मैं टीवी बन जाऊंगा तो पापा ऑफिस से आने के बाद थके होने के बावजूद भी सुनेंगे और मुझे रोका टोका नहीं जाएगा और ना ही उल्टे सवाल होंगे। जब मैं टीवी बनूंगा तो पापा ऑफिस से आने के बाद थके होने के बावजूद मेरे साथ बैठे रहेंगे। मम्मी को जब तनाव होगा तब वह मुझे डांटेंगी नहीं बल्कि मेरे साथ रहेंगी। मेरे बड़े भाई बहन मेरे बीच रहेंगे और मेरे पास रहने के लिए झगड़ा करेंगे। यहाँ तक कि जब टीवी बंद हो रहेगा तब भी उसकी अच्छी तरह से देखभाल होगी। और हाँ, टीवी के रूप में मैं सबको खुशी भी दे सकूँगा। जब यह सुनने के बाद पति थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, हे भगवान, बेचारा कैसा बच्चा है, उसके माँ बाप तो उस पर जरा भी ध्यान नहीं देते। टीचर पत्नी अपनी आंखों में आंसू भरे हुए उसकी तरफ देखी और बोली, जानते हो यह बच्चा कौन है? हमारा अपना बच्चा, हमारा छोटू। अब सोचिए, यह छोटू कहीं आपका बच्चा तो नहीं? मित्रों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें वैसे ही एक दूसरे के लिए भी कम वक्त मिलता है। और अगर हम वो सिर्फ टीवी देखने के लिए, मोबाइल पर गेम खेलने और फेसबुक से चिपके रहने पर सारा समय गवा देंगे तो हम अपने रिश्तों को अहमियत नहीं दे पाएंगे और उनसे मिलने वाले प्यार को। चलिए प्रयास करें कि हमारी वजह से किसी छोटू को टीवी बनने में या उसके बारे में ना सोचना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करें एंड डू